हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। तो देखिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमारे पास कार्बिन हमारा जो है चल रहा था एंड कार्बिन के बेसिक कंसेप्ट को लेके हमने सारी बात कर ली थी। इसके अलावा टाइप ऑफ कार्बिन के बारे में हमने बात कर ली थी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन को लेके भी हमने कंप्लीट बातें कर ली थी। तो अब हमारे पास जो कार्बिन को लेके सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, उस चीज को लेके हमें बात करनी है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन को देख के ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर मेरे पास कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने वाला है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। देखिए, कार्बोकैटायन आपके पास जो है वो स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आपका जो कार्बिन है वो फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बिन की फॉर्मेशन जो है काफी हद तक आपकी रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट को डिसाइड करने वाली है, राइट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सारी की सारी रिएक्शन जिनके अंदर हमारा कार्बिन फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला हमारे पास मेथड होता है कार्बिन को फॉर्मेशन को लेके वो है फ्रॉम हेलोफॉर्म। अगर हमारे पास कोई हेलोफॉर्म दे रखा है, और उस हेलोफॉर्म की रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी, बेस के साथ करवा दी है, तो वहां पर हमें कार्बिन फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। देखिए, हेलोफॉर्म क्या होता है, हेलोफॉर्म हमारे पास एक स्पीसीज होती है जो कि एक जनरल फॉर्मूला ऑक्यूपाई करती है, और वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CHX3। इस स्पीसीज को ही हम क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म। फॉर एग्जांपल, आपने क्लोरोफॉर्म सुना होगा जो कि अक्सर सीरियल में यूज किया जाता है किसी भी एक अच्छे इंसान को बेहोश करने के लिए। तो वो हेलोफॉर्म क्या होता है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म क्या, क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि एक हेलोफॉर्म है और हेलोजन कौन सा यूज हुआ इसमें, क्लोरीन। तो इसका नाम क्या रखिए, क्लोरोफॉर्म यूज कर दिया। एक टिप है आपके लिए, इसको यूज मत कीजिएगा किसी को बेहोश करने के लिए। जैसे कि सीरियल में दिखाते हैं ना कि मुंह पे रख दिया रुमाल क्लोरोफॉर्म डाल के वो इंस्टेंटली बेहोश हो गया, इंस्टेंटली बेहोश नहीं होता, कुछ टाइम लगता है और इतना टाइम उसको लग जाता है कि वो सामने वाला आपको धो दे, राइट। तो कोई इसको यूज मत कीजिएगा कभी किसी गलत काम में। तो पहली जो रिएक्शन है जहां पर हमारे पास कार्बिन बनने वाला है वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसमें होगा क्या हमारे पास, मान लीजिए मेरे पास एक हेलोफॉर्म है, मान लीजिए मेरे पास क्या है कि हेलोफॉर्म है, और इस हेलोफॉर्म की रिएक्शन जैसे ही मैं एक बेस के साथ करवाता हूं, बेस मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोक्साइड आयन ले लिया, मैंने बेस के फॉर्म में क्या ले लिया, हाइड्रोक्साइड आयन ले लिया। तो हेलोफॉर्म में जो ये हाइड्रोजन होता है ना, ये एसिडिक होता है, हेलोफॉर्म में जो ये हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है। ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू ब्रोंसफील्ड बेस। ब्रोंसफील्ड बेस वो होते हैं जो कि हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो अब होगा क्या, जैसे ही इन्होंने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, ये बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बन के ऊपर क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और हमारे पास एक कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर स्टेबलाइज नहीं रहता, तो किसी तरीके से क्या ट्राई करेगा, नेगेटिव चार्ज को हटा दे। तो ये क्या करेगा, यहां से एक हैलोजन जो है वो ये नेगेटिव चार्ज लेके निकल जाएगा एक्स नेगेटिव की फॉर्म में एंड हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कार्बिन फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। हमारे पास क्या होगा, एक कार्बिन फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी इस तरीके से। तो ये था पहला मेथड हेलोफॉर्म के थ्रू कार्बिन को जनरेट करने का। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कैसा आ सकता है, मान लीजिए मेरे पास है, मुझसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि बताइए आपके पास मान लीजिए एक हेलोफॉर्म है जिसमें तीनों हेलोजन जो है मेरे पास अलग अलग लेवल में, एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है, एक आयोडीन है। अब मुझसे इसकी क्या करवाई गई, रिएक्शन करवाई गई हाइड्रोक्साइड आयन के साथ या किसी भी बेस के साथ, और मुझसे ये जानना है कि यहाँ पर कौन सा कार्बिन बनने वाला है। देखिए, कार्बिन की जो फॉर्मेशन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में कौन कौन से हेलोजन मुझे दिखाई देंगे, तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। तो हमें पता है बेस का काम क्या होगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। जैसे ही हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कार्बन आयन, और कार्बन आयन को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास अब क्या होगा, यहाँ से एक हेलोजन जो है नेगेटिव चार्ज लेके निकल जाएगा। अब हेलोजन तो तीनों है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है। अगर मैं क्लोरीन को निकाल दूंगा एक अलग कार्बिन बनेगी, ब्रोमीन को निकाल दूंगा एक अलग, और आयोडीन को निकाल दूंगा तो एक अलग।
तो क्वेश्चन अराइज होता है कौन सी, अब मैं हैलोजन को रिमूव करूं यहां से, तो हमें पता है लीविंग ग्रुप टेंडेंसी के बारे में, आपको पता होगा लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी को लेके, कि हमारे पास हैलोजन की लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी होती है, और होती क्या है वो सबसे ज्यादा तो होती है आईबीटी, फिर हमारे पास होती है ब्रोमीन की, देन क्लोरीन की एंड देन फ्लोरीन की, ये होती है लीविंग ग्रुप टेंडेंसी। और ये लीविंग ग्रुप टेंडेंसी किसके बेस के ऊपर बनाई गई है, कि कौन सा हैलोजन जो है नेगेटिव चार्ज को सबसे अच्छी तरीके से स्टेबलाइज कर सकता है, तो क्योंकि आयोडीन जो है सबसे अच्छे तरीके से, क्योंकि आयोडीन जो है सबसे अच्छे तरीके से नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, तो आयोडीन निकल जाएगा सबसे पहले, और बनने वाली कार्बन क्या बनेगी हमारे पास, CClBr, ये हमारे पास कार्बन जनरेट होगी, और जो प्रोडक्ट होगा ना कहीं ये दोनों मेरे पास हैलोजन जो है प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलने वाले, राइट। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन बताना चाहूंगा इसी के बेसिस के ऊपर, मान लीजिए हम एक और क्वेश्चन देखें, तो हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए, क्वेश्चन आएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन बताओ, आपके पास क्वेश्चन आएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, कि हमारे पास यहाँ पर कौन सी कार्बन जो है सबसे फास्ट बनेगी एंड कौन सी कार्बन जो है सबसे स्लो देखने को मिलने वाली है। पहली हमारे पास है CHI4 है, दूसरी हमारे पास है CHI3, दूसरी हमारे पास है CHBr3, तीसरी हमारे पास है मान लीजिए CHCl3, और हमसे पूछा जाए कि बताओ कौन सी कार्बन सबसे फास्ट बनेगी अगर इन तीनों ही स्पीशीज को मैं बेस के साथ ट्रीट करवाता हूं, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेप तो कॉमन होने वाला है इन तीनों में, क्या हाइड्रोजन निकल जाएगा, और उसके बाद क्या बन जाएगा Cl3 नेगेटिव बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पे CBr3 नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास CCl3 नेगेटिव बन जाएगा। अब वो कार्बन जल्दी से बन जाएगी जहां पर ये लीविंग ग्रुप है, जो ये लिविंग ग्रुप है जहां पर फास्ट निकल जाएगा वो कार्बन जल्दी बन जाएगी। तो हमें पता है आयोडीन की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, फिर ब्रोमीन की और फिर क्लोरीन की, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन भी मुझे क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिल जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन देखने को मिल जाएगा। तो ये था मेरे पास पहला मेथड जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, अपनी कार्बन को जनरेट कर सकता हूं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ हैलोजन, ठीक है। इन चीजों को नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर जिस तरीके से आए हुए हैं साथ ही साथ करवाता चल रहा हूं मैं, ताकि आपको समझ में आए कि कार्बन को लेके हमें किस तरीके से अप्रोच करनी है, क्योंकि खाली थ्योरी पढ़ना जरूर सफिशिएंट नहीं होता इन चीजों में, ऑर्गेनिक में आपको एक अप्रोच आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी अगर मैं फॉर्मेशन की बात करता हूं, तो दूसरी फॉर्मेशन है हमारे पास फ्रॉम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अगर मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, और इसकी रिएक्शन भी मैं बेस के साथ करा दूं, इसकी रिएक्शन भी हमें किसके साथ करानी है, बेस के साथ, तो वहां पर भी क्या देखने को मिलेगा मुझे, कार्बन फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इस तरीके से देखिए एसिटिक एसिड क्या होता है, हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये मेरे पास क्या होता है एसिटिक एसिड। अब इसमें मेरे पास क्या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, यानी कि मेरे पास यहाँ पे जो तीन हाइड्रोजन है ये किसके साथ रिप्लेस हो रहे होंगे, तीन हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो रहे होंगे, ये मेरे पास क्या बनता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बनता है। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही इसकी रिएक्शन में बेस के साथ कराऊंगा, तो हमें पता है जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन होता है बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो बेस क्या करेगा इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और जैसे ही ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ऑक्सीएनायन देखने को मिल जाएगा, हमें क्या देखने को मिल जाएगा, एक ऑक्सीएनायन देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही मैं फर्दर इसको हीट करता हूं, तो होगा क्या, यहां से मेरे पास ये ऑक्सीएनायन जो एड्रेस है इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा, और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, मेरे पास CO2 मेरे पास जो है CO2 का मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा मेरे पास, एक कार्बन आयन बन जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, एक कार्बन आयन। तो जो हमने पहले वाली रिएक्शन करी थी, जो हमने पहले वाली रिएक्शन करी थी कुछ कुछ याद आ रहा है, सेम ही तो कार्बन आयन बना था, अब इस कार्बन को स्टेबलाइज होना है तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन लीव कर जाएगा, और क्या बन जाएगा, एक कार्बन फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाएगा। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, एक कार्बन को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरी फॉर्मेशन की तरफ, एंड जो तीसरी फॉर्मेशन है वो है हमारे पास फ्रॉम एसिटिक एसिड। अगर मान लीजिए हमारे पास एक एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड की हेल्प से हम किस तरीके से कार्बन फॉर्म कर सकते हैं, देखिए जितनी भी फॉर्मेशन है सारी करवा रहा हूं ताकि कोई भी आपकी बाकी ना बचे। तो तीसरी हमारे पास क्या है, तीसरी एसिड हमारे पास फॉर्मेशन है फ्रॉम एसिटिक एसिड। ये आपके पास अब एक एसिटिक एसिड गिवन है,
तो वहां से आप कैसे कर सकते हो कार्बन को फॉर्म। और यहां पर हमें क्या गिवन कंडीशन पाएगी, हीटिंग कंडीशन गिवन पाएगी। कंडीशन याद रखना, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंडीशन नहीं पता होगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास मान लीजिए एसिटिक एसिड है, हमारे पास मान लीजिए एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH है ना। एसिटिक एसिड क्या होता है हमारे पास, CH3COOH। जैसे ही मैंने हीट करी तो ये हीटिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देखिए जब भी हीटिंग होगी ना तो वहां पे काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कोई ना कोई जो ग्रुप है, कोई ना कोई मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट कर जाए। इट मे बी कार्बन डाइऑक्साइड और इट मे बी वाटर, राइट, या फिर इट मे बी नाइट्रोजन। हमारे पास जो हीटिंग कंडीशन है ना, ये गिवन होगी अगर, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं तीन मॉलिक्यूल के निकलने के। या तो वहां से मेनली कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, या फिर वहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, या फिर वहां पे डाई नाइट्रोजन निकलती है। ये तीन मॉलिक्यूल जो है जनरली, ये कह रहा हर बार जनरली ये तीन मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं जब भी हीटिंग कंडीशन गिवन होगी तो, राइट। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर मेरे पास ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, ये इस तरीके से टूटता है हमारे पास, और क्या बन जाता है, इटीन बन जाती है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। क्या हुआ, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिंपल तरीके से आपको अगर सिंपल समझना है तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल जब निकलेगा तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। और इसको याद रखना, बहुत सारी रिएक्शन इसके बेसिस के ऊपर हमें पढ़नी है कार्बन को लेके। इसको हम कहते हैं कीटीन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कीटीन। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कीटीन हमारे पास है। बहुत रिएक्शन कार्बन की कीटीन के बेसिस के ऊपर है। ये लगा लीजिए 60% जो रिएक्शन होगी ना कार्बन की, उसमें यही बनेगा कार्बन से। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, और जैसे ही ये रेजोनेंस करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव सी ट्रिपल बॉन्ड ओ फोर, राइट, ये हमें देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर हमें पता है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं है, तो ये क्या होगा, यहां से मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा और कार्बन बच जाएगी मेरे पास। कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल तो निकल जाएगा और कार्बन मेरे पास बच जाएगी। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप में, सॉरी सी ओ ग्रुप जो है वो एलिमिनेट हो गया है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या बन जाएगा, एक कार्बन फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। सो विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड यू कैन प्रिपेयर अ कार्बन, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग कंडीशन। तो ये हमारे पास थी थर्ड रिएक्शन जहां से हम कार्बन फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ रिएक्शन की। देखिए अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मेशन बता रहा हूं, जब हम इनकी रिएक्शंस करेंगे ना तब वहां पर एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से ये जो फॉर्मेशन है वो रिएक्शंस में यूज हो रही है, ठीक है। फोर्थ वाला जो है इसको चांस सितारा लगा लेना, जो भी आप लगाते हो, मैं तो ये स्टार मार्क लगाता हूँ, चांस सितारा लगा लेना, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आपकी क्वेश्चन के अंदर। और ये हमारे पास है फ्रॉम डाइएजोमीथेन, फ्रॉम डाइएजोमीथेन, फ्रॉम डाइएजोमीथेन। तो जहां पर आपको डाइएजोमीथेन दिख जाए और उसके सामने क्या लिखा हो, हीटिंग लिखा हो, तो समझ जाना वहां पर कार्बन फॉर्मेशन होगी। डाइएजोमीथेन की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, कार्बन को फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली बात, डाइएजोमीथेन क्या होता है, CH2N2, याद रखो, जहन में डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये रिएक्टेंट। डाइएजोमीथेन क्या होता है, CH2N2, या फिर आप इसको लिख लो एक तरीके से, चलो मैं यहां पे दिखाता हूं। डाइएजोमीथेन क्या होगा मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइएजोमीथेन। बट आपको जब कार्बन फॉर्मेशन करनी है ना, तो आपको इसका ये वाला स्ट्रक्चर याद नहीं रखना, आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद रखना है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो होता क्या है, नाइट्रोजन के पास क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट कराएगा, और ये मेरे पास जो पाई बॉन्ड है ये कार्बन के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, एक कार्बन आयन देखने को मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, एक कार्बन आयन देखने को मिल जाएगा। इस नाइट्रोजन के ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। नाइट्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज, बियर नहीं कर सकता, तो अभी नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके पास ऑप्शन है। देखो मैंने क्या कर रखा है, हीटिंग दे रखी है, और हीटिंग में मैंने क्या बताया था, जब भी हीटिंग गिवन हो तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उन तीन मॉलिक्यूल में से कोई एक मॉलिक्यूल निकल रहा हो, इट मे बी नाइट्रोजन, इट मे बी कार्बन डाइऑक्साइड, और इट मे बी वाटर मॉलिक्यूल, राइट। तो यहां पर आपको N2 दिखता हुआ फॉर्मेशन दिख रहा होगा, और इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि तीनों ही मॉलिक्यूल काफी अच्छी तरह से स्टेबल होते हैं। डाई नाइट्रोजन जो है मेरे पास यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, I'm not saying कि सबसे ज्यादा, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है बियर करके रख। तो यहाँ पर अब होगा क्या, क्योंकि N2 का जो मॉलिक्यूल है वो काफी
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखता है आपस में, तो जैसे ही हम इसको फर्दर हीटिंग करेंगे तो हीट करने के बाद होगा क्या, ये जो N2 का मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसको लेके, और हमारे पास क्या होगा डाई नाइट्रोजन निकल जाएगी और साथ में हमें एक कार्बीन फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मॉलिक्यूल दैट इज डाइएथोमिथेन हम क्या कर सकते हैं, कार्बीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास था पहला मेथड डाइएथोमिथेन के थ्रू, एक और तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपनी कार्बीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और वो क्या है विद द रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, विद द रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। अगर मैं अपने एसिड क्लोराइड को डाइएथोमिथेन के साथ ट्रीट करता हूं तो वहां पर हमें क्या देखने को मिल जाएगा, कार्बीन फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। किस तरीके से, देखिए एसिड क्लोराइड क्या होता है, जब हमारे कार्बन ग्रुप के साथ कोई हैलोजन जुड़ा होगा इसी को हम क्या कहते हैं एसिड क्लोराइड, ठीक है। अब क्लोराइड है तो यहां पे हैलोजन क्या होगा, क्लोरीन पाएगा। इसकी रिएक्शन अगर मैं डाइएथोमिथेन के साथ करा दूं, तो देखिए डाइएथोमिथेन का जैसा कि मैंने कहा ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें यूज करना है किसी भी रिएक्शन में, तो यहां पर होगा क्या, मेरे पास जो CH2N2 है नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हमें पता है कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी रहती है और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देगा, यहां पर क्लोरीन जो है वो लीव कर जाएगा, राइट। एंड क्लोरीन जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप है क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा और क्या बन जाएगा CH2C(O) कार्बन हमारे पास, और यहाँ पर क्या बन जाएगा N2 देखने को मिल जाएगा। N2 पॉजिटिव लिख देता हूँ मैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं N2 पॉजिटिव लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम इसकी रिएक्शन हम एक बेस के साथ कराएंगे, और बेस क्या करेगा एक एसिडिक हाइड्रोजन को, हमें पता है अल्फा जो कार्बन होता है, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है कीटोन कंपाउंड के, वो एक एसिडिक होता है, तो बेस क्या करेगा इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, एक यहां पर हमारे पास ये एक कार्बेनायन बना देगा, यहाँ पर क्या बना देगा कार्बेनायन बना देगा, और ये कुछ कार्बेनायन देखा नहीं लग रहा, यहाँ पर क्या बना था कार्बेनायन ही तो था, और इस कार्बेनायन को स्टेबलाइजेशन कैसे मिल रही थी, N2 का मॉलिक्यूल निकल रहा था, तो यहाँ पर भी क्या होगा N2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा एक कार्बीन देखने को मिल जाएगा, और ये कार्बीन अब की बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये कौन सा कार्बीन है, अल्फा कीटो कार्बीन है। इस कार्बीन का नाम आपको क्या रखना है, इस कार्बीन का नाम है अल्फा कीटो कार्बीन, और ध्यान रखिएगा अल्फा कीटो कार्बीन को लेके बहुत सारी रिएक्शन, बहुत एक इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट हमें पढ़नी है जिसको हम कहते हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट। विद द हेल्प ऑफ अल्फा कीटो कार्बीन हम किटीन फॉर्मेशन करते हैं। किटीन फॉर्मेशन क्या था, CH2C(O), ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास जो है कार्बन की देखने को मिलने वाली है, लगभग 50% रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट यूज होने वाला है, तो अल्फा कीटो कार्बन की जो फॉर्मेशन है किस तरीके से हमें देखने को मिलेगी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रोल प्ले करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चार मोस्ट इंपोर्टेंट वे थे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कार्बन फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मिसलेनियस पोर्शन की, कुछ एक ऐसे हमारे पास कंपाउंड है जिनको अगर हम लाइट की कंडीशन दे दें तो वहां पर हमारे पास क्या बन जाते हैं, कार्बन बन जाते हैं। इसको आप 5 पॉइंट डाल लीजिए और साथ में लिख दीजिए मिसलेनियस, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सकती है लेकिन जो बात बताऊंगा वो गलत नहीं होगी। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक दो मिसलेनियस रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जहां पर कार्बन फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है, दो फिनाइल रिंग मेरे पास आपस में जुड़ी हुई है, मान लीजिए मेरे पास दो फिनाइल रिंग आपस में जुड़ी हुई है और यहां पर मेरे पास एक 6 मेंबर रिंग बन गई। यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगी, एक मान लीजिए एक 6 मेंबर रिंग बन रही है। अगर मैं इसको फोटोकेमिकल कंडीशन प्रोवाइड कर दूं, अगर मैं इस मिसलेनियस कंपाउंड को फोटोकेमिकल कंडीशन प्रोवाइड कर दूं यहां पर मेरे पास, तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, यहां पर ये जो दोनों बॉन्ड है, यहां पर जो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है, पहली बात तो स्टेबलाइज नहीं होती क्योंकि काफी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस स्ट्रेन जो है वो काफी ज्यादा लग रहा होगा। तो यहां पर जैसे कि मैं इसको फोटोकेमिकल कंडीशन प्रोवाइड करूंगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहां पर क्या बन जाएगी, कार्बीन देखने को मिल जाएगी, यहां पर एक कार्बीन देखने को मिल जाएगी। और साथ में मेरे पास यहां पर जो रिंग थी जिसके साथ एक 3 मेंबर साइक्लिक रिंग जुड़ी हुई थी, यहां पर मुझे एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम।
ये मेरे पास क्या बन गया, एक एरोमेटिक सिस्टम बन गया। तो यहाँ पर कार्बन फॉर्मेशन का जो रीजन है वो क्या है, वो रीजन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। और हमें पता है एरोमेटिसिटी की वजह से काफी ज्यादा स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, राइट। तो ये मेरे पास था एक पोर्शन। अब मैं अगर बात करता हूं दूसरे पोर्शन की, तो मेरे पास क्या है, मान लीजिए कुछ इस टाइप का सिस्टम है, मान लीजिए कुछ इस टाइप का सिस्टम है, दो फिनाइल रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, दो कार्बन सेंटर के साथ। इसको मैं फोटोकेमिकल कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा तो दोबारा से थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग टूट जाती है, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और एक साथ में कार्बिन देखने को मिल जाएगी, साथ में मुझे जो है एक कार्बिन देखने को मिल जाएगी। और अब की बार ये कार्बिन बनने का रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये डबल बॉन्ड जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है और रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी देखने को मिलती है मॉलिक्यूल के अंदर, राइट। तो ये दो मिसलेनियस पोर्शन है हमारे पास जहां पे कार्बिन फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। अगर आप तैयारी कर रहे हो अपने 11 12 के लिए या किसी भी एमएससी एंट्रेंस के लिए, जितनी मैंने फॉर्मेशन करवाई है मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप नेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो 3 से 4 फॉर्मेशन और है जो कि आपकी यूज होने वाली है और यूज होती भी है एक हायर लेवल एग्जाम के अंदर। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहोगे, अगर आपको चाहिए कि मैं वो जो 3-4 रिएक्शन और बच गई जहां से हम कार्बिन फॉर्मेशन कर सकते हैं जो कि एक हायर एंड के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो मैसेज कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर आप मेरे सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी मैसेज कर सकते हो, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।